ये देख रहे हो, ये पसीना है पूरा, बेचारा दौड़ के आया नीचे से। वो लाके यहाँ से उठाएंगे हम चोरी करके। ये बर्तन को हम थोड़ा बहुत लिपाई कर रहे हैं, इस तरह से हमने सेटअप बना के रखा हुआ है। ये अभी हमारी बिरयानी बन के तैयार होने ही वाली है। तो गाइस आज का व्लॉग कुछ डिफरेंट होने वाला है। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, मैं कैसी लोकेशन पे खड़ा हूँ, आसपास का नज़ारा आप चेक कर सकते हैं। वो जो नीचे है उस गांव से हम अभी चल के आए हैं, तो हम ट्रैक करके जा रहे हैं अभी ऊपर माउंटेन पर, पहाड़ पर। तो आप बने रहे हमारे साथ, एंजॉय कीजिए और हम भी आपको थोड़े नज़ारे करवाएंगे। तो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं कुछ इस तरह की जगह पे, मेरे आसपास आप देख ही पा रहे होंगे कितनी खूबसूरत जगह है। तो मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ से हम चल के आए वो वाले गांव से, और सीधा यहाँ से ट्रैक करके अभी इस जगह पे हम पहुँच चुके हैं। तो अभी एक बंदे का फ़ोन आया हमारे पास, वो कह रहा है कि मेरा वेट करो, मैं भी आ रहा हूँ। तो पता नहीं अभी वो कहाँ पर पहुँच गया होगा, अब उसका वेट करते हैं यहाँ पे और फिर यहाँ से आगे चलते हैं। अभी हम चलते चलते यहाँ काफ़ी थक चुके, पसीने पसीना हो गए, तो इसलिए अभी डर के आगे ये है, इसका नाम मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन डर के आगे यही है। तो हमें डर लगा तो इसलिए हम इसके तरफ जाएंगे। अब जिस बंदे का हम अभी इंतजार कर रहे थे वो अभी पहुंच चुका है, लेकिन एक घंटा हमने वेट करना पड़ा इस बंदे का। मेरी तरफ देख, ये देख रहे हो, ये पसीना है पूरा, बेचारा दौड़ के आया नीचे से। थक तो नहीं गए? बोरा ना ना, लेकिन पसीने छूट रहे बंदे के, भाई साहब फट रही है, इधर चलते चलते फटती है सबकी। देखा कांटा चुभ गया था, लेकिन वो खुद ब खुद बाहर निकल गया। अब कुछ साथी यहाँ पे बैठे हैं और कुछ अभी पीछे चल रहे हैं नीचे। आप चेक करें कहां से हम चल के आया है अभी, पूरा मतलब पूरे दो घंटे हमको हो गए अभी चलते चलते। तो अभी एक बंदा हमारा जो है हमसे नाराज हो गया, और मुझे नहीं पता क्यों हो गया। वो सब हम शाकिर से पूछेंगे। शाकिर, वो इमरान नाराज क्यों हो गया? वो ज्यादातर जूस मांग रहा है। अच्छा, तो आपने जूस नहीं दिया? नहीं दिया था, बोला था एक ही देंगे, दो मांग रहा है इसलिए तो वो नाराज हो गए और उसके फोटो डिलीट हो गए ना। मेन रीजन यही है। वहां से देखिए पहाड़ों पे कितनी प्यारी बर्फ दिख रही है, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ से नीचे आप चेक करें जो गांव था वो कितना दूर हो गया अभी हमसे। तो काफी ज्यादा थक चुके हैं, पसीना पसीना हो चुके। तो अभी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम रेस्ट करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। तो भाई जब अल्लाह की ऐसी खूबसूरत कुदरत देखनी होगी तो फिर तो थोड़ी बहुत मुश्किल तो झेलनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम थक चुके हैं अभी, तो इतना थकना तो बनता है, क्योंकि जब ऐसे ऐसी खूबसूरती का नज़ारा करना है तो फिर थोड़ा बहुत थकना तो बनता है भाई। ये देख पा रहे हैं, ये झोपड़ी टाइप का जो बना है ना, यहाँ पे कुछ मालदार लोग आते हैं, पांच छह गर्मियों के पांच छह महीने यहाँ पे वो बिता देते हैं। तो अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके, बट यहाँ पे हमने पार्टी नहीं करनी है, यहाँ से भी ऊपर जाना है, वहाँ पहुँचे फिर आपको दोबारा से दिखाएंगे। तो हमारे कुछ बंदे अभी पीछे चल रहे हैं, शायद कैमरे में नहीं आ पा रहे होंगे, ऐसे से ये दिख रहे होंगे। तो ये भी यहाँ पे पहुँच जाते हैं, और उसके बाद दो तीन बंदे यहाँ से दूर एक जगह पे, वो स्प्रिंग है जिसको हम कश्मीरी में नाग बोलते हैं, तो उसका ठंडा ठंडा पानी वहाँ बहता है, चश्मा जिसको बोला जाता है। तो वहाँ से वो जाएंगे, एक दो दो तीन बंदे जाएंगे, वो वहाँ से पानी वगैरह लेके आएंगे, तो हम जाएंगे, हम इधर से जाएंगे और हम लकड़ी वगैरह लेके चलेंगे, और उधर वो फिर पार्टी वगैरह जो भी बनाएंगे, बिरयानी वगैरह, तो वो सब आपको दिखाने की ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। और उम्मीद करता हूँ आपको अभी देखने में मज़ा आ रहा है, और अगर यहाँ तक अभी आप वीडियो देखते देखते पहुँच चुके हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करो और सपोर्ट करो अपने भाई को यार। तो फिलहाल तो हमें तकरीबन ढाई घंटे हो गए अभी, दो से ढाई घंटे हमें हो गए अभी चलते हुए, तो अभी भी हमने आधा घंटा लगना है जहाँ पर हमने जाना है।
आधा घंटा लगेगा वहाँ पहुँचते पहुँचते। यहाँ से लकड़ी वकड़ी कुछ हमने उठाना है क्योंकि वहाँ पे आग जला के कुछ बनाना भी है, तो वो लकड़ी यहाँ से उठाएंगे हम चोरी करके, तो चोरी तो करना ही पड़ेगा भाई। बाय द वे मैं मजाक कर रहा था, चोरी वोरी कुछ नहीं है, ये इनका है। इधर देखो ये किसका है? ये इनका है, हम चोरी वोरी नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ से उठाएंगे थोड़ी सी लकड़ी, जितना भी हमें वहाँ पे जरूरत लगता है उतना सा उठाएंगे। वो थोड़ा बहुत आगे भेज दिया, वो वहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो थोड़ा बहुत यहाँ से उठा के चलेंगे आगे और बनाएंगे बिरयानी पार्टी। और पूरा आपको पीर पंचाल, जो आपने नाम तो सुना ही होगा, पीर पंचाल माउंटेन है ये, मतलब क्या बोलते हैं, पीर पंचाल, हाँ मेरे को सही से बोलने नहीं आता था, पीर पंचाल माउंटेन है ये, तो उसी के टॉप पर अभी हम पहुंचने जा रहे हैं। अभी थोड़ा नीचे यहाँ से मैं आपको व्यू चेक करवाता हूँ एक बार। तो जी यहाँ से चेक करें आप, ये जो है यहाँ से ये गांव दिखता है, इसको चंजलू बोला जाता है। बाय द वे कुछ लोग जानते होंगे कुछ नहीं जानते होंगे। और यहाँ से आगे एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके, ये बानीहाल का रेलवे स्टेशन है जो कि यहाँ से दिख रहा है आपको। तो बाकी यहाँ से बानीहाल का व्यू भी दिखता है, अभी आगे चलेंगे हम, वहाँ से भी थोड़ा बहुत आपको दिखाएंगे, तो आप बने रहे। यहाँ से देखिए बानीहाल का फोर वे कितना खूबसूरत लग रहा है, ये देख लीजिए आप। तो जी फाइनली हम वहां पे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे यहां का खूबसूरत नजारा। आसपास आप चेक करें, चारों तरफ मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, ये चेक करें आप कितना खूबसूरत नजारा है। और इस साइड आप चेक करें, ये वाली पहाड़ी जो है ना, अगर इस पे इसके ऊपर चढ़ेंगे फिर उस साइड कश्मीर पहुंच जाते हैं, हालन वेरीनाग जो कहते हैं उस साइड पहुंच जाते हैं। और जी एक यहाँ से एक पहाड़ी है, इसके उस साइड अगर चलेंगे तो नीलटॉप वाली साइड पे पहुंच जाते हैं। तो बाकी यहाँ से बनाल दिखता है बानीहाल, तो यहाँ नीचे से हमारा गांव वगैरह। तो बाकी कुछ बंदे यहाँ से पानी लेने के लिए गए हैं, वो अभी तक वहाँ से नहीं आए, तो हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अभी हम चूल्हा वगैरह बना रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये चूल्हा बन रहा है हमारा, तो अभी खाना बनाने वगैरह वो सब तैयारी कर रहे हैं। ये चूल्हा बना रहे हैं यहाँ पे एक और दो, क्योंकि एक चूल्हे में हम चिकन को फ्राई करेंगे और दूसरे में बिरयानी बनाएंगे। तो ये लकड़ी शकड़ी सब हमने यहाँ पे ला के रखी है, तो यहाँ का नज़ारा आप चेक कीजिए कितना खूबसूरत है। तो जी भाई अभी जो आप देख पा रहे हैं ये बर्तन को हम थोड़ा बहुत लिपाई कर रहे हैं, ये इस वजह से क्योंकि इस बर्तन को आग पे जब चढ़ाएंगे ना तो नीचे से वो आग की वजह से ये जल जाएगा, तो इसलिए वो बाद में साफ नहीं होता है, तो इसलिए मिट्टी से इसको थोड़ा बहुत लिपाई करेंगे, जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे। तो इसको थोड़ा बहुत लिपाई विपाई करके उसके बाद इस बर्तन को चूल्हे पे चढ़ाएंगे और खाना बनाएंगे। अभी एक और बंदा आ रहा है वहाँ पे एक और पतीला लेके, वो देख पागल क्या कर रहा है, यहाँ से नहीं दिख रहा होगा शायद कैमरे में, वो पागल है। ये बोलने लगा था कुछ लेकिन आप भाग गया। ये अभी हमारी बिरयानी बनके तैयार होने ही वाली है, जो कि अभी पक रही है, पक के थोड़ी सी तैयार हो जाएगी, उसके बाद आपको दिखाएंगे, उसके बाद खाएंगे। हमें भी काफी ज्यादा भूख लगी है, तो क्या करें, थोड़ी थोड़ी सी भूख झेलनी पड़ रही है। देख सकते हैं आप किस तरह से हमने सेटअप बना के रखा हुआ है, जगह देख लीजिए आप कितनी खूबसूरत जगह है। कुछ लोग तो वहां पे शूट वगैरह कर रहे हैं, फोटो शूट वगैरह। यहाँ से आगे अगर आप देखेंगे तो पूरा बनिहाल यहाँ से दिखता है, बाद में जाके थोड़ा बहुत आपको और दिखाऊंगा। यहाँ से आप चेक करें वो बनिहाल के वो गांव वगैरह है कुछ, वहां पे वो दिख रहे हैं। पहाड़ियां चेक करो गाइस कितनी खूबसूरत है। तो जी फाइनली हमारी बिरयानी जो है तैयार हो गई है, मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ, तो उसके बाद हम खाने की करेंगे। वाओ माशाल्लाह लिखो, ये देखो बिरयानी कितनी खूबसूरत है। तो जी इंतजार की घड़ियां अभी खत्म हो चुकी है, अभी हम खाने पे चपट पड़े हैं, ये देख सकते हैं आप। बासा 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 बासा।
जी ये है अभी फाइनल, ये चटनी है, ये चिकन है और ये बिरयानी है जो कि अभी हम खा रहे हैं। सारे लोग खा रहे हैं। देखो फारूक, रिव्यू दे बिरयानी कैसी थी, फीडबैक दे। सच में तारीफ नहीं करना झूठी मूठी। रियाज वेरी गुड बोल रहा है। जाकिर सब बोलो। वो खाने के टपक पड़े हैं, वो क्या बोलेंगे अभी, भूख से बेचारे बेहोश हो चुके। तो खाने के बाद आपको मिलते हैं। तो जी अभी हमारा खाना शाना खत्म हो चुका है, लेकिन फारूक का अभी तक पेट नहीं भर रहा है। देख रहे हैं आप, ये न वो है न ये है, ये बतजन है। यूशु बतजन इमें वड़ खसान बन कहें। बाकी मोकलो सारे खेत, तो सारे लोग ने खाना शाना खा लिया। अभी जूस बांट रहे, मेरे को भी दे दो भाई। खाना शाना तो हमने खा ही लिया कंप्लीट, ऑलमोस्ट हमारा खाना वगैरह हो चुका है। तो अभी हम चल रहे हैं, यहाँ पीछे की तरफ एक जंगल है, तो उस जंगल में चल के थोड़ा सा फोटोशूट वगैरह करेंगे और उसके बाद वो थोड़ा सा आपको भी दिखाने की कोशिश करेंगे। जंगल के नज़ारे आपको थोड़े बहुत चेक करवाएंगे। पूरा जंगल है, मतलब यहाँ से ऊपर आप देखोगे तो ये देखो आप कितना घना जंगल है, और यहाँ से भी देखोगे आप तो पूरा जंगल है। यहाँ नीचे से भी चारों तरफ जिस तरफ आप देखोगे तो पूरा जंगल ही जंगल है। और यहाँ मैं और मेरे साथ जाकिर है जो कि बहुत अच्छा कैमरा चलाता है, रील शील इसने मेरी शूट की। अगर वो आपको देखनी होगी तो यहाँ पे इंस्टाग्राम की मेरी आईडी आ रही होगी, वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। आपको एंजॉय करवाएंगे, उसकी आप टेंशन ना लो, क्योंकि आपका भाई है तो आपको एंजॉय करवाएगा। जब मैं खुद करूंगा तो आपको भी करवाऊंगा। जिस जगह मैं इस टाइम खड़ा हूं तो ये ऐसी जगह है भाई साहब, कोई नेटवर्क वगैरह कुछ नहीं है यहां पे। तो अभी डायरेक्टली यहां पे हम शूट करते हैं, उसके बाद एडिट वगैरह करके यूट्यूब पे डाल देते हैं। आपको अगर थोड़ा सा भी हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, किसी भी रीजन से आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बाकी ऐसे वाले जंगल में अगर आप कभी आना चाहो तो आ सकते हो। बाय द वे लोकेशन है पीर पंजाल, जो पहाड़ है माना जाना, आपने तो नाम सुना ही होगा पीर पंजाल पहाड़ जो है, उसी के टॉप पर अभी हम है। तो बाकी जितने भी फ्रेंड्स थे ऑलमोस्ट सारे थक चुके हैं, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैं अक्सर बहुत ज़्यादा चलता रहता हूँ, कभी इधर कभी जंगल में कभी कहीं, तो इसलिए मैं ज़्यादा थकावट मुझे नहीं होती है। चलने के लिए मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, ठीक है। तो गाइस आज के वीडियो में अच्छे से आपको पीर पंचाल माउंटेन की हमने ट्रैक करी, तो आपको भी अच्छे से दिखाने की कोशिश करी। वहाँ पे हमने पार्टी वगैरह करी, अभी भी हम वहाँ से बहुत दूर है, मतलब जहाँ पे हमने पार्टी वगैरह करी थी वहाँ से बहुत दूर है अभी हम। तो ये रही मेरी टीम वगैरह, ये आप देख सकते हैं सारी की सारी टीम है, और एक दो बंदे अभी मिस है, वो पता नहीं ये जंगल में कहाँ मंगल कर रहे हैं, तो वो अभी यहाँ घूम चुके हैं। ये देखो ये हंस रहे हैं, वो मंगल कर रहे हैं यार, सच में पता नहीं कहाँ गए फोटोशूट वगैरह के लिए। तो मुझे लगता है आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए आज के व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपको किसी और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, टेक केयर एंड बाय बाय।